तीन ऐसे विलुप्त हो चुके एनिमल्स जिन्हें साइंटिस्ट दोबारा जिंदा करने के एकदम नजदीक हैं। नंबर 3, द वुली मैमथ। माना जाता है कि ये लगभग 25,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ अच्छे से प्रिजर्व्ड मैमथ को खोज निकाला है और इसके डीएनए को अफ्रीकी हाथियों के साथ मिलाकर इसे फिर से बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जानकारों का मानना है कि शायद वो अगले 5 साल के अंदर अंदर इसे दोबारा बना भी लेंगे। नंबर 2, सेबर टूथ टाइगर। हमने ऐसे शेर तो ढेर सारी फिल्मों में देखा ही है, लेकिन हो सकता है कि साइंस के मदद से जल्दी ही हम इसे अपने रियल लाइफ में भी देख पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक इसके डीएनए को अफ्रीकन लायन के साथ मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं ताकि ये बड़े दांतों वाली बिल्ली हमें फिर से देखने को मिले। नंबर 1, डोडो बर्ड्स। जब 2007 में वैज्ञानिकों को इसका एकदम अच्छे से प्रिजर्व्ड हेड मिला तो वो लोग तभी से इसको दोबारा लाने में लग गए थे। अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग इन जानवरों को दोबारा देख पाएंगे।